च समुत्पाद यानी प्रत्यय समुत्पाद शब्द सार या शब्द सार नाम और रूप। नाम और रूप बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इनका सार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने गाना सुना होगा, मेरा नाम करेगा रोशन मेरा जग में राज दुलारा। ये जो राज दुलारा जग में नाम रोशन करेगा, जो गाना बहुत पहले आया था, नाम कैसे रोशन करेगा? आपने नाम के बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे, नाम पे कलंक लग गया, नाम पे बट्टा लग गया, नाम डुबो दिया, नाम ऊंचा कर दिया, नाम रोशन कर दिया, नाम आगे बढ़ा दिया, नाम इसने कमा लिया, ये नाम पे धब्बा है, उसके तो नाम की महिमा है, उनका तो नाम चलता है, उनके तो नाम की साख है, उनके तो नाम की रेपुटेशन है, उनका तो नाम ही काफ़ी है, उनका तो नाम क्या लिया तबीयत खुश हो गई, अरे इसका तो नाम क्या लिया मूड ही खराब हो गया, यार ये तो नाम पे ही धब्बा है। ये बहुत सारे नामों के मुहावरे आपने सुने होंगे। ये जो नाम हैं, नाम जब भाषा बनी और उससे पहले भी जब एक दूसरे को संबोधन करते थे शब्दों में या सांकेतिक या जो अक्षरों, जब अक्षर भी नहीं आए थे, जिस समय सांकेतिक भाषाएं हुआ करती थी उस समय भी नाम हुआ करता था, बेशक इसका नाम करके नाम नहीं आया। हम नाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हर एक वस्तु हर एक चीज़ और हर एक मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका सबसे पहले नामकरण होता है, क्योंकि बिना नाम के उसको पहचानना मुश्किल होता है। बेसिकली नाम उसकी पहचान है। जैसे ही आप नाम लेंगे, अगर आप किसी प्रमुख व्यक्ति का नाम लेंगे तो नाम लेते ही उस व्यक्ति की सारी सारी फाइल शरीर के अंदर खुल जाती है, पूरी जानकारी एक साथ ही रैम में यानी कि मस्तिष्क में आ जाती है। अगर आप अपनी पत्नी का नाम लेते हैं तो पत्नी के सारे गुण और अवगुण आ जाते हैं। पुत्र का लेते हैं तो पुत्र के सारे गुण अवसुण की छवि, उसका रूप, उसका रंग, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी आवाज़, उसकी वॉइस, उसकी वीडियो, हर चीज़ वहाँ आ जाती है। अगर आप अपने किसी बहुत प्यारे का लेते हैं तो उसके गुण आ जाते हैं, और किसी अगर बहुत दुश्मन का या जो आपको पसंद नहीं है अगर उसका नाम लेते हैं तो उसके जितने भी दुष्कर्म हैं वो सारे के सारे सामने आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि नाम उन सारे कैरेक्टर्स का, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी गुण या अवगुण होते हैं, उनका एक संकेत है, उनका एक कोड है। ये कोड जैसे ही माइंड में आता है वो सारी फिल्म, सारी की सारी ऑडियो वीडियो खुल जाती है, वॉइस खुल जाती है। इसलिए नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर यहाँ जो नाम का शब्द का जो अर्थ है, जो भगवान बुद्ध ने बताया, वो कुछ थोड़ा सा ऐसा है, बाकी इससे भी गहरा है। क्योंकि नाम और रूप वो दो शब्द हैं जिनके ऊपर भगवान बुद्ध ने सारी की सारी अभिधम्म पीटक यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो कंप्यूटरिंग के कोड हैं, जो ह्यूमन साइंस के कोड हैं, और जो ह्यूमन के यानी जो एक आदमी होता है उसके जो शरीर पूरा चलाता है सॉफ्टवेयर, उसके कोड का नाम भी नाम उन्होंने रखा। यानी कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ सुधीर राज सिंह, सुधीर राज सिंह की जितनी भी फाइलें हैं, जितना भी उसका कोड और डिकोडिंग शरीर के अंदर है जिससे वो चलता है, उस सारे डिकोड और कोडिंग का जो नाम है सॉफ्टवेयर है, उसका नाम सॉफ्टवेयर है, यानी ह्यूमन सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया है। और जो हार्डवेयर है, जितनी बॉडी है यानी कि जो मेरी जितना भी शरीर है, जितना भी हाथ पैर मांस है, आँख नाक कान है, उन सब हार्डवेयर का रूप कहते हैं। इसलिए ये नाम और रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम का मतलब ह्यूमन सॉफ्टवेयर और रूप का मतलब ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन हार्डवेयर। ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ जो नाम है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मोस्टली काम नाम के ऊपर किया है, नाम का कोई वेट नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपका नाम सपोज अलेक्जेंडर है तो अलेक्जेंडर नाम का कोई वजन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। अलेक्जेंडर सिर्फ एक कोड है, नाम है। अलेक्जेंडर नाम की प्रॉपर्टियाँ या सिकंदर नाम की प्रॉपर्टियाँ बहुत सारी हो सकती हैं जो उसके गुण और अवगुण के साथ आती हैं। इसी प्रकार जो कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, उसके सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसका, चाहे वो कैंडी है, चाहे चॉकलेट है, चाहे वो सैंडविच है, चाहे वो iOS है, 1 है, 2 है, 3 है, या विंडोज़ है या लिनक्स है, उनका कहीं वेट और वजन नहीं होता। उनके सिर्फ नाम होते हैं, बाकी कोड और डिकोडिंग होती है। ऐसे ही मनुष्य के जितने भी गुण और अवगुण होते हैं उनका कहीं वेट नहीं होता। इसको चैतसिक बोलते हैं, चैत का बोलते हैं या मन बोलते हैं, यानी मन के गुण हैं। ये जो नाम है ये चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसको चैत बोलेंगे चैतसिक, या चित्त बोलेंगे चित्त, नाम या मन, ये सब एक ही बात है। इसको इंग्लिश में माइंड कहते हैं, यानी माइंड हो गया, चित्त हो गया, मन हो गया, इन सबको एक ही बात बोला जाता है। ये मुख्यतः चार चीज़ों से मिलकर बने हैं। एक वियाणा जिसको विज्ञान बोलते हैं,
एक इसको बोलते हैं संज्ञा यानी कि संज्ञा, यानी कि जो मेमोरी स्टोरेज होती है बॉडी के अंदर उसको एक वेदना बोलते हैं। वेदना का मतलब है जो सेंसेशन बॉडी के अंदर आते हैं उनको बोलते हैं, या भाव जो आते हैं उनको वेदना बोलते हैं। और ये जब सारी चीज़ें मिलकर एक डिजिटल कोड में बन जाती हैं उसको संखार बोलते हैं या संस्कार बोलते हैं। ये चार चीज़ों से, और इन चारों चीज़ों का ही कोई वेट नहीं होता, ये सब कोड में होते हैं, वाइब्रेशन में होते हैं, जो हार्डवेयर यानी मटेरियल के अंदर होता है। दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। अगर शरीर होगा तो मन होगा, अगर शरीर नहीं होगा तो मन नहीं होगा। मन शरीर के साथ जुड़ा होता है, शरीर मन के साथ जुड़ा होता है। जैसे हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है, ऐसे ही मन के बिना रूप बेकार है और रूप के बिना मन बेकार है। और ये कितने कमाल की बात है कि आज हम जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं उसको भगवान बुद्ध ने, भगवान ने, तथागत ने, सुगतों ने, बुद्ध ने लगभग 2600 साल पहले डिकोड कर दिया। ह्यूमन की एक एक फाइल को डिकोड किया और उन्होंने अपनी डेथ की फाइल को होल्ड कर दिया। यानी डेथ की फाइल उन्होंने जब खोली अपनी तो उसको एक्टिवेट किया, तो अपनी कमांड से किया। बुद्ध की सारी थ्योरी साइंटिफिक है। जैसे जैसे प्रत्यय समुत्पाद आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा। ये प्रत्यय समुत्पाद में जो नाम रूप आएगा, नाम रूप का जिक्र बार बार आएगा, ये उसका डेफिनेशन है, ये उसका सदसार है। ये सतनामी, नामधारी और नामदेव और भी बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जिनके आगे पीछे नाम लगे पड़े हैं। ये सारे समुदाय, जितने भी समुदाय हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, ये सब वही पुराने नाम नाम वाली कम्युनिटीज़ हैं। ये नाम नाम इतना प्रमुख शब्द रहा है कि लोग इसको अभिवादन में भी नाम नाम करके बोला करते थे। और सतनाम जो बोला जाता है, सतनाम वो आज भी इसीलिए हैं क्योंकि जो नाम है वो जो भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने खोजा था, वो आज भी सत्य है। और जब तक मनुष्य रहेगा तब तक वो सत्य ही रहेगा, इसलिए सतनाम बोला जाता है। सतनामी जो लोग हैं वो आज भी सतनाम को करते हैं। और नाम जो शब्द है वो रूप नाम से आया हुआ है। जो प्राचीन शब्द में रूप नाम चलता है उसको लोग भूले नहीं, उसको लोग आज भी जानते हैं। वही लोग यहाँ भारत के मूल निवासी हैं जो इस नाम परंपरा को चलाते हैं। जो नाम देने की परंपरा है वो आज भी हजारों लोग इसको नाम लेके करते हैं। वो ये भूल गए कि नाम बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि धम्म चला गया, मगर नाम लेने की परंपरा नहीं भूले। इसलिए नाम लेने की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा, प्राचीन परंपरा है, जो आज भी कुछ क्षेत्रों में कुछ गुरुओं द्वारा चलाई जाती है। धन्यवाद।